press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जंतर मंतर पर तीनों निगम आयुक्त की शव यात्रा निकाली गई। गुरुवार को नगर निगम कर्मचारियों ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों का कहना है कि तीनों नगर निगम के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जिससे आम कर्मचारियों का जीना दूभर हो गया है। कर्मचारियों के नेता मुकेश वेद ने बताया है, हमने कई अधिकारियों के पैसे लेते हुए वीडियो उच्च अधिकारियों को दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसलिए हमें आज संसद भवन पर प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा। हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन वहां से भी कोई कार्यवाही नहीं होती। मेरा नाम मुकेश वैद है और ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सैनिटेशन सुपरवाइजर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। और हमारे सुपरवाइजरों की, हमारे सफाई कर्मचारियों की जो मांग डिमांड्स हैं उनको लेकर के आए हैं। और एक निगम में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, उस भ्रष्टाचार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा ये चौथी बार प्रदर्शन और पुतला दहन का प्रोग्राम है और उसको लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे कर्मचारियों की तो मांग ये है कि एक तो उनको 20-20 वर्षों से पक्का नहीं किया जा रहा, उनके जो लाभांश हैं उनके लाभांश नहीं दिए जा रहे हैं, जो रिटायर हो गए उनके लाभांश नहीं दिए जा रहे हैं, उनके भुगतान नहीं हो रहे हैं। और जो उनकी समस्याएं हैं, जैसे कि हमारा कोई कर्मचारी बीमार हो जाता है उसको कैशलेस कार्ड सुविधा नहीं है, जैसे कि वो पे स्लिप लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर भी उससे 200 रुपये पे स्लिप के मांगे जाते हैं रिश्वत के। जैसे कि मस्टोल लेने के लिए हम लोग जाते हैं, मैं एक ASI भी हूँ, तो ASI होने के नाते जब हम मस्टोल लेने जाते हैं, जब हम उनको पास कराते हैं, उनकी सैलरी बनाते हैं, तो जहाँ से हम मस्टोल लेकर के और अकाउंट तक जाते हैं और उनकी बैंक में सैलरी तक जाते हैं, तब तक रिश्वत 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 चलती है। हर आदमी को पैसा चाहिए, अगर हम उनमें जरा सा भी किसी को पैसे नहीं देते तो वो उनमें ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, उनमें दुनिया भर की कमियां निकालते हैं, उनमें ऐसी ऐसी कमी, उस पर अगर जरा सा कहीं क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है, कहीं कटिंग हो जाती है, तो उस पर ऑब्जेक्शन लगा देंगे 6-6 बार, मतलब बहुत परेशान करते हैं। तो उस पर मजबूर होकर के क्या होता है कि हमारे इंस्पेक्टर, हमारे सुपरवाइजर स्टाफ को पैसा देना पड़ता है। और जैसे कि हमने बताया कि दिल्ली में 40,000 सफाई कर्मचारी है, जो दिल्ली में 272 निगम पार्षद हैं उनके घरों पर 5-5, 10-10 कर्मचारी घरों पर लगे हुए हैं, उनके घरों पर काम करते हैं, जिससे दिल्ली की स्वच्छता सही तरीके से सफाई व्यवस्था नहीं हो पाती। तो उसके लिए भी हम बार बार शिकायतें देते हैं। रिश्वत के बारे में हमने पहले बताया कि हमने ऑडियो वीडियो बना बना करके भेजी है कि हमारे सुपरवाइजरों के काम नहीं किए जाते और उनको किस तरह परेशान किया जाता है और उनसे किस तरह रिश्वत मांगी जाती है। जो देते हुए आपने वीडियो बनाई है जी, आपने किन-किन अधिकारियों पर? सभी अधिकारियों को दिए हैं, सभी अधिकारियों को दिए हैं, कमिश्नर साहब को दिए हैं, सतर्कता विभाग को दिए हैं, और हमने प्रधानमंत्री जी को भी कई बार भेजी, उनकी CD बना बना करके भी भेजी है, प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजी है, LG साहब को भेजी है, गृह मंत्री जी को भेजी है, मुख्यमंत्री जी जो हमारे दिल्ली सरकार के हैं वो कहते हैं हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। हमने मुख्यमंत्री जी को जब भी हम धरना प्रदर्शन और कोई भी भ्रष्टाचार की हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग आती है, ऑडियो वीडियो जो भी आती है, हमने मुख्यमंत्री जी को भी उनकी CD बना कर दी है, लेकिन कभी भी ना तो हमारे को आज तक मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भ्रष्टाचार पे कोई कार्रवाई करते हुए देखा गया और ना ही निगम ने की। लेकिन दिल्ली के CM से समारोह कहता है कि कोई भी अगर रिश्वत देता है वीडियो में तो तुरंत उस पर। हमने तो अनेकों बार, हमारे पास सबूत है, हमारे पास उनके जो डायरी में हमने लिख के भेजा भी, हम इसमें ये शिकायतें भेज रहे हैं और उसकी हमने वीडियो CD बना करके CD साथ में लगा कर करके भेजी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। वर्षों से लड़ रहे हैं हम तो इस लड़ाई को, और जब तक भ्रष्टाचार दिल्ली नगर निगम में खत्म नहीं होगा तब तक हमारी ये जंग जारी रहेगी। हम एक महीने का हम कम से कम नोटिस लगाते हैं, तैयारी में टाइम लगता है, और 1 महीने के बाद हम फिर यहीं पर प्रदर्शन करेंगे, आप सब लोग उसमें उपस्थित होंगे।